नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से डिस्प्लेसमेंट बिटवीन मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एंड मैक्सिमम कानीटिक एनर्जी पोजिशन फॉर अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हारमोनिक मोशन इज ऑप्शन हैं प्लस माइनस ए बाई टू प्लस ए या फिर प्लस माइनस ए या फिर माइनस वन नाउ सिंपल सवाल है बेसिक्स यहाँ पे अपने क्लियर होने चाहिए मैं दो तरीके से इसको आपको बताता हूँ सो so, जब हम एस uh, एच की बात करते हैं मान लीजिए आपकी मेन पोजिशन है पार्टिकल ऐसे गया ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे ये पहले इधर गया फिर इधर और फिर इधर आया तो ये आपकी मीन पोजिशन है ये आपका प्लस ए है या आपका माइनस ए है ना इस केस में हम बात करते हैं एनर्जी की टोटल एनर्जी तो आपकी कांस्टेंट रहती है लेकिन जो आपकी मीन पोजिशन है यहाँ पे आपकी होती है कानीटिक एनर्जी मैक्सिमम। और इन एक्सट्रीम से पोटेंशियल एनर्जी आपकी मैक्सिमम होती है इस जगह पर और इस जगह पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सीम आएगी Uh, यहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है नाउ हमसे सवाल पूछा जा रहा है जिन लोकेशन पे मैक्सिमम कनेटिंग और जिन लोकेशन पे मैक्सिमम पोटेंशियल है उनके बीच में डिस्टेंस या गैप क्या होएगा तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये ए और ये वाला माइनस ए तो आपका आंसर हो जाएगा प्लस माइनस ए या अगर आपका एम्पलीट्यूड ए है तो प्लस माइनस एम्पलीट्यूड दैट विल बी आर फाइनल आंसर इसी चीज़ को देखने का एक और तरीका है अगर हम पोटेंशियल एनर्जी और कनेटिंग एनर्जी का ग्राफ ड्रॉ करें तो ये दोनों पैराबोलिक ग्राफ बनते हैं ये आपका एक ग्राफ बना है दूसरा ग्राफ आपका कुछ इस प्रकार बनता है यह आपकी टोटल एनर्जी होएगी जो कि कांस्टेंट होती है यह आपकी टोटल एनर्जी है पूरे मोशन की आपकी ये वाली जो ब्लू वाला ग्राफ है ये कानीटिक एनर्जी का ग्राफ है और यह आपका पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी अगेन ये आपकी मेन पोजिशन है ये आपका प्लस ए है यह आपका माइनस ए है अगेन इन दोनों के बीच में दूरी प्लस ए और माइनस से होएगी सो दैट मीन्स प्लस माइनस से ऑप्शन नंबर सी वुड बी द राइट आंसर